हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो होंगे आपके लेवल 2 के क्वेश्चन नंबर 20 से लेके 27 तक। तो बच्चों, एक वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ जिसमें हमने एक्सरसाइज 10.4 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 17 तक सबको हमने सॉल्व किया है। और हाँ, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पर आप क्लिक करके देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं, क्योंकि यहाँ पर होगी सिर्फ और सिर्फ मुद्दे की बात। तो चलिए सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। इन फिगर 10.115, AB इज पैरेलल टू CD, देन CD इज पैरेलल टू EF एंड GH इज पैरेलल टू KL, फाइंड एंगल HKL। तो बच्चों, आप यहां पर देख सकते हैं, ये है आपकी फिगर नंबर 10.115 और तीनों लाइन आपकी पैरेलल है। AB आपकी ये वाली लाइन है, देन CD, देन EF, ये तीनों लाइन आपस में पैरेलल है। इसके बाद आपको क्या गिवन है कि GH लाइन जो है वो भी पैरेलल है KL के। तो GH आपकी ये वाली लाइन है और KL आपकी ये वाली लाइन है, तो ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं। और आपको फाइंड करना है एंगल HKL। तो HKL एंगल जो बनेगा आपका वो होगा ये वाला। आप देख सकते हैं H आपका ये है KL, दैट मींस ये आपका पूरा का पूरा एंगल आपको फाइंड करना है। तो जो भी आपको गिवन है वहीं से आप लिंक बनाते चलिए। जैसे कि आपको ये वाला एंगल गिवन है 25 डिग्री और ये एंगल आपको गिवन है 60 डिग्री। तो देखिए, ये एंगल और ये एंगल आपके बराबर होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि आपकी AB लाइन पैरेलल है CD के, और हम कह सकते हैं कि जो HK लाइन है ना, HK जो लाइन है ये वाली, दिस इज द ट्रांसवर्सल लाइन बिटवीन AB लाइन एंड CD लाइन। तो हम कह सकते हैं कि दीज एंगल्स आर नोन एज ऑल्टरनेट एंगल्स, है ना। अगर ये 25 है तो ये भी आपका कैसा होगा, 25 डिग्री होगा। तो ये एंगल आपका फाइंड हो चुका है। अब बात करते हैं हम सिर्फ इस वाले एंगल की। कौन सा एंगल है आपका ये, AKL। तो यहां पर हम इस बात को लिख लेंगे कि AKH आपको मिल चुका है 25 डिग्री ऑल्टरनेट एंगल। यहां मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं A.A, आपको एग्जाम में पूरा लिखना है ऑल्टरनेट एंगल। अब देखिए, जैसे आपको ये वाला एंगल फाइंड करना है, दैट मीन्स एंगल AKL, अब आपको निकालना है एंगल AKL। अब इसके लिए यहां पर कोई भी लिंक नहीं मिलेगा आपको, है ना। इस एंगल को सॉल्व करने के लिए आपको कोई भी एंगल नहीं मिलेगा, क्योंकि दूर दूर तक आपका कोई भी एंगल नहीं है। ये आपका 60 डिग्री है, तो इसका और इसका तो कोई भी लिंक नहीं बनता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा ऐसे केस में, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा समवेयर, आपको एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी सो दैट कि आप। तो देखिए, अगर मैं इस लाइन को थोड़ा सा यहां पर एक्सटेंड कर दूं इस तरीके से, और इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं पॉइंट N, तो मैंने क्या किया, जो KL लाइन है इसको यहां पर थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया। आप यहां पर लिख दोगे प्रोड्यूस LK टू मीट GF एट N, ओके। तो देखिए, यहां पर आपको इस बात को अंडरस्टैंड करना है कि इस लाइन को हमने एक्सटेंड क्यों किया है। इसका रीजन मैं आपको बताता हूं कि आपको लिंक यहां पर फॉर्म करना है, यानी कि कुछ ना कुछ एंगल आपको मिल जाएगा यहां पर इस लाइन के थ्रू, है ना। वो कैसे मिलेगा मैं आपको बताता हूं। जैसे CD आपकी पैरेलल लाइन है EF के, और ये जो लाइन है GH ये आपकी एक ट्रांसवर्सल लाइन है, और ये एंगल अगर आपका 60 डिग्री है तो ये एंगल भी आपका कैसा होगा, 60 डिग्री ऑल्टरनेट एंगल। और ये एंगल आपका कैसा होगा, ये भी आपका 60 डिग्री होगा, क्योंकि GH जो लाइन है वो आपकी पैरेलल है इस लाइन के, ठीक है। ये आपकी कंप्लीट लाइन है, जैसा हमने जो क्वेश्चन है उसमें गिवन है कि GH इज पैरेलल टू KL। तो इस बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि GH इज ऑल्सो पैरेलल टू LN, है ना। ये कंप्लीट लाइन होगी, पहले आपकी LK तक थी, अब आपकी बन चुकी है LN तक। तो इसका मतलब है कि GN आपकी कैसी हो जाएगी, एक ट्रांसवर्सल लाइन, और ये एंगल आपके कैसे होंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो इसका मतलब है, आप यहां पर लिख लीजिए CHG इज इक्वल टू
एच जी एन इज इक्वल टू 60 डिग्री क्यों होगा? ऑल्टरनेट एंगल है ना, और एच जी एन इज इक्वल टू एंगल के एन एफ इज इक्वल टू 60 डिग्री कोरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, शॉर्ट में मैं यहां पर लिख रहा हूं सी डॉट ए। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब आपको क्या करना है, ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है, और आप देखकर भी इसका आंसर बता सकते हैं कि ये कितना एंगल होगा। ये बनेगा आपका लीनियर पेयर है ना, ये आपका लीनियर पेयर कैसे बनेगा, ये आपकी दो लाइन हो जाएंगी, ठीक है, अपोजिट रे जिसको हम बोलेंगे, और ये आपकी हो जाएगी एक कॉमन रे। ठीक है, तो दो एंगल आपके यहां पर बनते हैं, तो टोटल एंगल आपका बनेगा 180 डिग्री का। अगर ये 60 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, 120 डिग्री का। तो इस बात को आप यहां पर लिख सकते हैं, देयरफॉर के एन जी इज इक्वल टू 180 माइनस 60 डिग्री इज इक्वल टू 120 डिग्री। ये कैसे होगा, लीनियर पेयर से। यहां पर आपको इस बात को अंडरस्टैंड करना है कि हमने ये वाला एंगल ही क्यों निकाला है 120 डिग्री। देखिए, आप अगर यहां पर लेते हैं कि जैसे ए बी आपकी पैरेलल है ई एफ के, ठीक है, तो ये आपकी एक कंप्लीट ट्रांसवर्सल लाइन हो जाती है के एन, ठीक है, के एन की मैं बात कर रहा हूं, ये आपकी एक ट्रांसवर्सल लाइन होगी, ठीक है, ये वाली, ओके, और पैरेलल लाइन हम कंसिडर कर रहे हैं ए बी, ठीक है, दिस लाइन एंड दिस लाइन। तो इसका सीधा सा मतलब है कि ये जो एंगल हमें चाहिए था, ये एंगल आपका इसके बराबर होगा, ठीक है, इसका मतलब है दिस एंगल इज नोन एज कोरस्पॉन्डिंग एंगल, जिसकी हम बात कर रहे हैं फ्रॉम द डे वन। तो आप इस बात को यहां पर लिख सकते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो देखिए, आपका ये एंगल हो चुका था 25 डिग्री और ये है आपका 120 डिग्री, तो ये जो कंप्लीट एंगल होगा आप बता सकते हैं कितना होगा, 145 डिग्री। तो यहां पर आप इस बात को लिख सकते हैं, दैट मीन्स ए के एच है आपका 25 डिग्री और ए के एल है आपका 120 डिग्री, तो ये हो जाएगा आपका 145 डिग्री। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। तो चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। इन फिगर 10.116 शो दैट ए बी इज पैरेलल टू ई एफ। तो यहां पर आपको काफी सारी लाइंस गिवन है, लेकिन आपको प्रूव करना है कि ए बी इज पैरेलल टू ई एफ। तो ए बी आपकी ये वाली लाइन है और ई एफ आपकी ये वाली लाइन है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, जो तीसरी लाइन आपको लगता है कि पैरेलल प्रूफ हो सकती है, तो आपने क्या करना है, दो लाइन जो आपको पैरेलल प्रूफ करनी है आपस में, उनमें से किसी भी एक लाइन को आप ले लो। यहां पर जैसे ई एफ को मैंने लिया और तीसरी लाइन को आपको लेना ही लेना है, सी डी लाइन को। इसके बाद जो आपकी पहली वाली लाइन है ए बी, इसको भी तीसरी लाइन के पैरेलल आप प्रूव कर दो। इससे होगा क्या कि आपकी पहली वाली लाइन इसके पैरेलल हो जाएगी थर्ड लाइन के, और दूसरी वाली लाइन भी थर्ड लाइन के पैरेलल हो जाएगी। इन दोनों लाइन को पैरेलल प्रूफ करने के बाद आपको क्या करना है, जो आपकी पहली वाली लाइन है ए बी, इसको भी आपको थर्ड लाइन के पैरेलल प्रूफ करना है। ठीक है, मैं बताता हूं कि क्यों करना है। इसका रीजन ये है कि जैसे आपने दोनों लाइन को थर्ड लाइन के पैरेलल प्रूव कर दिया, तो इसका मतलब है जब आपने इस लाइन को इसके भी प्रूव कर दिया और इस लाइन को इसके भी प्रूव कर दिया, तो आपस में ये दोनों लाइन भी आपकी पैरेलल हो जाएंगी। इन दोनों लाइन को आपस में पैरेलल प्रूव करने के लिए आपको क्या करना है, जैसे यहां पर कुछ एंगल आपको गिवन है, इन दोनों को अगर ऐड कर देते हैं, दोनों एंगल्स को ऐड करने के बाद अगर 180 डिग्री आता है, तो इसका मतलब है सम ऑफ को इंटीरियर एंगल इज 80। अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब है कि ई एफ आपकी पैरेलल हो जाएगी सी डी के, है ना, देयरफॉर ई एफ इज पैरेलल टू सी डी, है ना, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब आपको क्या करना है, जो ए बी लाइन है सी डी के पैरेलल आपको प्रूव करनी है। तो यहां पर अगर हम मान लें कि जो ए सी लाइन है आपकी एक ट्रांसवर्सल लाइन है ए सी, ठीक है, तो 57 डिग्री ये वाला एंगल है और ये जो टोटल एंगल है ये भी आपका 57 डिग्री बनता है। आप देख सकते हैं 22 प्लस 35 डिग्री दैट मीन्स 57 डिग्री, और ये एक्चुअली बनते हैं आपके ऑल्टरनेट एंगल, ठीक है, और दोनों ही आपके इक्वल हैं। तो इसका मतलब है कि बी ए बी आपकी पैरेलल हो जाएगी सी डी के।
तो इस बात को आप यहां पर लिख सकते हैं, सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर सेकेंड. नाउ यू कैन राइट फ्रॉम 1 and 2 वी कैन से ए बी इज पैरेलल टू ई एफ. क्यों होगी? इसका रीजन मैं यहां पर लिख देता हूं. तो ये इसका रीजन होगा, लाइंस पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर. यानी कि जो लाइन आपस में पैरेलल है सेम लाइन के, जैसे सीडी के पैरेलल थी और ये वाली भी सीडी के पैरेलल थी, तो इसका मतलब है कि ये दोनों लाइन भी आपस में पैरेलल हो जाएंगी. सो दिस इज द आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम. तो चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की. इन फिगर 10.117, दिस इज योर फिगर नंबर 10.117. PQ इज पैरेलल टू AB. आप यहां पर देख सकते हैं, दिस इज योर PQ एंड दिस इज योर AB. बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर. एंड PR इज पैरेलल टू BC. PR आपकी ये वाली लाइन है और BC आपकी ये वाली है, तो दोनों आपस में ये पैरेलल है और PQ इज पैरेलल टू AB. नाउ इफ एंगल QPR इज इक्वल टू 102 डिग्री, डिटरमाइन एंगल ABC, गिव reasons. तो यहां पर आपको एक एंगल भी गिवन है. This is your angle QPR. Okay, this angle is 102 degree. अब आपको यहां पर find करना है angle ABC. This angle you have to find. Okay, इसके साथ आपको reason भी देना है. तो सबसे पहले आपको इस बात को understand करना है, यहां पर आपके सामने दो figure given है, ना कि एक. आप देख सकते हैं दो figure है ये actually, है ना. तो इन दोनों में जब तक कोई connection नहीं होगा, जब तक कोई relation नहीं होगा, तब तक आप दूसरा एंगल फाइंड नहीं कर सकते. और खासकर इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं जिसमें पैरेलल लाइंस होंगी लेकिन कोई भी कनेक्शन नहीं है, यानी कि दोनों लाइंस आपस में टच नहीं करती हैं, है ना. यू कैन सी देयर इज नो कनेक्शन इन बिटवीन दीज टू फिगर्स. सबसे पहले आपको एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा और उसको स्टार्ट कहां से करना है इस बात को सबसे पहले आपको समझना है. देखिए, अगर मैं इस लाइन को एक्सटेंड करता हूं, है ना, कंस्ट्रक्शन करता हूं, तो ये कहीं भी नहीं जाएगी, है ना, इसका कोई मीनिंग नहीं है. अगर इस लाइन को मैं एक्सटेंड करता हूं तो ये भी आपकी इनफाइनाइट चलती रहेगी, देयर इज नो मीनिंग ऑफ दिस लाइन. ओके, और इस लाइन को अगर मैं एक्सटेंड करता हूं तो ये भी आपकी एक मीनिंगलेस लाइन है, है ना. तो हमारे पास बचती है ये वाली लाइन, आपको इसको एक्सटेंड करना है. तो जैसे आपने एक्सटेंड की तो इस पॉइंट पर आकर मिलती है, इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया के. ओके, दिस इज द पॉइंट के. तो आपने देखा कि जब इन तीनों लाइन को एक्सटेंड किया तो आपको कोई भी हिंट नहीं मिल रहा था, लेकिन जब आपने ए बी लाइन को एक्सटेंड किया तो यहां पर आपको एक छोटा मोटा हिंट मिल चुका है और इसी हिंट की वजह से आपका पूरा का पूरा सॉल्यूशन निकल जाएगा. नाउ यू कैन ऑल्सो राइट PQ इज पैरेलल टू KB लाइन. ओके, आपने जैसे ही इस AB लाइन को एक्सटेंड किया तो इस K पॉइंट पर मीट करती है, तो ये आपकी कंप्लीट लाइन हो गई KB. तो इसी बात को मैंने यहां पर लिख दिया है. ठीक है, तो आपने क्या किया, जो कंस्ट्रक्शन था उसको मैंने यहां पर लिख दिया, सिंस AB इज प्रोड्यूस्ड टू मीट PR एट K. ठीक है, तो PR लाइन पर आपका K पॉइंट यहां पर मिलता है. नाउ यू कैन से, तो बच्चों आपको इस बात को अंडरस्टैंड करना है, ये वाला एंगल 102 डिग्री एंगल, ये आपका इसके बराबर होगा. क्यों? क्योंकि ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं, तो ये आपका कोरस्पॉन्डिंग एंगल वाले रूल से इक्वल होगा. नाउ यू कैन राइट PQ इज पैरेलल टू AB, और यू कैन से दिस PQ इज ऑल्सो पैरेलल टू KB. दैट मीन्स दिस एंगल QPR, QPR इज इक्वल टू BKR. ओके, BKR, दैट मीन्स ये भी आपका 102 डिग्री एंगल ही होगा. लेकिन बच्चों आपको तो फाइंड करना है एंगल ABC, और इसके लिए आपको जो दूसरी हिंट गिवन है, PR इज पैरेलल टू BC. आप देख सकते हैं आपकी BC लाइन ये वाली है और PR ये वाली लाइन है, है ना. तो इसका मतलब है जो KB लाइन है वो आपकी एक ट्रांसवर्सल लाइन की तरह एक्ट करेगी, और इन दोनों एंगल का सम, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों का सम आपका 180 डिग्री के बराबर होगा. क्यों होगा? को इंटीरियर एंगल्स फॉर्म करेंगे, है ना. तो यहां पर इस बात को मैंने लिख दिया है कि PR इज पैरेलल टू BC, है ना. दैट मींस RKB एंगल, RKB, RKB एंड KBC विल बी इक्वल टू 180 डिग्री. नाउ यू कैन फाइंड एंगल ABC वेरी इजीली, एंड डू रिमेम्बर दैट एंगल KBC इज नथिंग बट योर एंगल ABC. यू कैन सी ओवर हियर That KBC is nothing but your ABC. Okay? तो यहां से आपने एंगल KBC का वैल्यू निकाल लिया 180, और आपका RKB जो एंगल है,
ठीक है, आर के बी वो आपका यहां पर चला जाएगा, और ऑलरेडी आप इसका वैल्यू निकाल चुके हो बी के आर का, तो यहां से आपका वैल्यू आ जाएगा 78 डिग्री। दैट मीन्स आपका एंगल एबीसी आ चुका है 78 डिग्री। सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। इन फिगर 10.118, सो दिस इज योर फिगर नंबर 10.118, लाइंस ए बी एंड सी डी आर पैरेलल। तो यहां पर आप देख सकते हैं दो लाइन है ए बी और सी डी, ठीक है, बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। एंड आगे बोला गया है पी इज एनी पॉइंट एज शोन इन द फिगर, पी आपका यहां पर एक पॉइंट है, शो दैट एंगल ए बी पी, एंगल ए बी पी आपका ये वाला एंगल है, एंड एंगल सी डी पी, सी डी पी आपका ये वाला एंगल है, ठीक है, इन दोनों का सम इज इक्वल टू एंगल डी पी बी, तो डी पी बी आपका ये वाला एंगल बनता है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, और इसको सॉल्व करने के लिए आपको एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। यहां पर एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करनी पड़ेगी विच इज एक्चुअली पैरेलल टू योर ए बी लाइन, तो ये आपकी ई एफ लाइन है, ओके, इसका नाम मैंने रख दिया ई एफ। तो यहां पर हमने क्या किया, एक लाइन हमने ड्रॉ कर ली ई एफ which is actually parallel to your line AB and CD, यानी कि ये जो लाइन है आपकी इन दोनों लाइन के पैरेलल है, ठीक है, इसका मतलब है आपस में ये तीनों लाइन पैरेलल हैं। तो यहां पर आपको इस बात को अंडरस्टैंड करना है कि यहां पर जो कंस्ट्रक्शन हमने किया है इसका जो पर्पस है वो क्या है। वो पर्पस ये है कि यहां पर कुछ एंगल्स के बीच में एक कनेक्शन निकल आएगा, यानी कि एक रिलेशन निकल आएगा, उसके बेस पे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं कि हमें प्रूव करना है कि इन दोनों एंगल्स का जो सम है वो आपका जो ये एंगल फॉर्म होता है इसके बराबर है, है ना। तो आपको करना क्या है, देखिए आपको सबसे पहले क्या करना है, ए बी पी आपका ये वाला जो एंगल है ए बी पी, है ना, ये किसके बराबर है, एंगल बी पी एफ के, आप देख सकते हैं बी पी एफ, है ना, क्यों होगा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, है ना, क्यों होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। नाउ इन द सेम मैनर एंगल सी डी पी, एंगल सी डी पी ये वाला एंगल आपका ओके किसके बराबर होगा, एंगल डी पी एफ के, डी पी एफ ओके, इसका मतलब है ये वाला एंगल ओके, ये भी आपका क्या होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो इसके बाद आपको क्या करना है, ये जो इक्वेशन है आपकी इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन 2, इन दोनों को आपस में एड कर दीजिए। तो जैसे ही आप इन दोनों को एड करते हैं तो यहां पर आप लिख देंगे एंगल ए बी पी प्लस एंगल सी डी पी, है ना, और यही आपको यहां पर फाइंड करना है, आप देख सकते हैं। और यहां पर आप लिखोगे एंगल बी पी एफ प्लस एंगल डी पी एफ ओके, और यहां पर आप देखिए ध्यान से एंगल बी पी एफ ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल प्लस डी पी एफ, डी पी एफ, तो इन दोनों का जो सम होगा, ठीक है, वो किसके बराबर होगा, इन दोनों एंगल्स के सम के बराबर होगा, है ना। तो हमने इन दोनों एंगल को एक ही एंगल लिख दिया, तो एक एंगल आपका कौन सा बनेगा, हम लिख सकते हैं इसको डी पी बी ओके, जो आपसे पूछा गया है एंगल डी पी बी, तो इसको हमने यहां पर लिख दिया। नाउ हैंस प्रूव्ड, सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। इन फिगर 10.119 ए बी इज पैरेलल टू सी डी, आप यहां पर देख सकते हैं दिस वन इज योर ए बी एंड दिस वन इज योर सी डी, बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर, एंड पी इज एनी पॉइंट एज शोन इन दी फिगर, आप यहां पर देख सकते हैं पी इज योर दिस पॉइंट, एंड यू हैव टू प्रूव दैट एंगल ए बी पी, एंगल ए बी पी दिस इज योर एंगल ए बी पी, एंड एंगल बी पी डी यू कैन से दिस एंगल बी पी डी ओके, यहां पर आपका एक एंगल बनेगा। अगर मैं यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर दूं, ठीक है, छोटा सा कंस्ट्रक्शन मैंने यहां पर कर दिया है, एक लाइन पैरेलल ड्रॉ कर दी है, ठीक है, ये लाइन आपकी ए बी के भी पैरेलल होगी और सी डी के भी, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 24 में देखा था। तो ये आपका एंगल हो जाएगा बी पी डी और ये लाइन हो जाएगी आपकी ई एफ ओके, दिस इज योर लाइन ई एफ, एंड एंगल सी डी पी आप देख सकते हैं एंगल सी डी पी, दिस इज योर एंगल सी डी पी इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो आपको बताना है कि ये तीनों एंगल का जो सम है वो 360 डिग्री के बराबर है। तो चलिए इस प्रॉब्लम को अब सॉल्व कर लेते हैं। जैसे हमने क्वेश्चन 24 में देखा था कि वहां पे हमने एक रूल फॉलो किया था ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल वाला, और यहां पर हमको फॉलो करना है सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री। देखिए आपको किस तरीके से यूज करना है, आप देख सकते हैं एंगल ए बी पी एंड प्लस एंगल ई पी बी, देखिए आपका एंगल है ए बी
पी, ओके, दिस इज योर एंगल ए बी पी एंड ई पी बी. ई पी बी आपका सिर्फ ये वाला एंगल बनता है ना, एंगल ए पी बी. तो इन दोनों का जो सम होगा वो आपका 180 डिग्री के बराबर होगा. क्यों होगा? क्योंकि आपकी ए बी लाइन इज पैरेलल टू ई एफ. तो इसका मतलब है कि जो बी पी लाइन होगी वो आपकी एक ट्रांसवर्सल लाइन होगी, है ना, दोनों पैरेलल लाइन के बीच में. तो ये दोनों एंगल, इन दोनों का जो सम होगा, ये एक्चुअली क्या है, को इंटीरियर एंगल्स है. और दोनों का जो सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री के बराबर. तो इसी बात को मैंने यहां पर लिख दिया है. दिस इज योर इक्वेशन नंबर वन. इन द सेम मैनर आप इक्वेशन टू बना सकते हैं. देखिए ईपीडी, ईपीडी यानी कि ये वाला एंगल आपका, यहां पर देखिए एंगल सीडीपी, एंगल सीडीपी, इन दोनों का जो सम होगा वो भी कितना होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा. ठीक है, आपका यही कंसेप्ट यहां पर यूज होगा. तो यहां पर भी आपका सेम कंसेप्ट यूज हुआ है कि जो ई एफ लाइन है वो आपकी सी डी के पैरेलल है, और पी डी जो लाइन है ये आपकी एक ट्रांसवर्सल लाइन की तरह एक्ट करेगी, और इन दोनों एंगल्स का जो सम होगा वो आपका 180 डिग्री के बराबर होगा, बिकॉज दीज एंगल्स आर नथिंग बट योर को इंटीरियर एंगल्स. तो आपके पास दो इक्वेशन यहां पर आ चुके हैं, दोनों को आपको एड कर देना है. तो जैसे ही आप एड करते हैं, आप यहां पर देख सकते हैं इन दोनों एंगल्स को लिखा आपने यहां पर, ठीक है, यहां पर लिखा है. इसके बाद इन दोनों एंगल्स को आपने यहां पर लिख दिया. ठीक है, तो आपको जो प्रूव करना है उसके हिसाब से देखिए, एबीपी आपका एज इट इज रहेगा. ठीक है, एबीपी एज इट इज रहेगा आपका एबीपी. उसके बाद सीडीपी, सीडीपी आप देख लीजिए कहां पर है, सीडीपी. और आपको यहां पर इस बात को समझना है कि इन दोनों एंगल्स का जो सम है, ईपीबी प्लस ईपीडी, देखिए ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला और ये वाला, ये आपका एक कंप्लीट एंगल है. तो आपने इसको एक एंगल ही लिख दिया, बीपीडी आप इसको लिख सकते हो. देखिए यहां पर बीपीडी लिखा हुआ है, तो आपने क्या किया, बीपीडी एक कंप्लीट एंगल बनता है. तो इसी बात को मैंने यहां पर लिख दिया, इन दोनों का सम है ना, इन दोनों को आपने क्या लिख दिया, एंगल बीपीडी. और यहां पर आप लिख दोगे 180 प्लस 180, दैट मींस 360. सो दिस इज द आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम. चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की. इन फिगर 10.120, सो दिस इज योर फिगर नंबर 10.120. आर्म्स बी ए एंड बी सी ऑफ एंगल ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली पैरेलल टू आर्म्स ई डी एंड ई एफ ऑफ एंगल डी ई एफ. तो आपको यहां पर बोला गया है कि जो ए बी आर्म है वो किसके पैरेलल है, डी ई के, और बी सी आपकी पैरेलल है ई एफ के. बट यहां पर कोई भी कनेक्शन नहीं है. कनेक्शन का मतलब है आपस में ये दोनों फिगर कहीं भी टच नहीं करती है. तो आपको यहां पर प्रूव करना है एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल डी ई एफ. तो आपका ये वाला एंगल है एबीसी, और इसको प्रूव करना है इक्वल किसके, एंगल डीईएफ के. तो ये दोनों एंगल आपको प्रूव करने हैं कि आपस में दोनों इक्वल हैं. तो जिस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 24 और 25 में कंस्ट्रक्शन किया था, उसी तरीके से आपको यहां पर भी कंस्ट्रक्शन करना है. तो बीसी लाइन को आपको एक्सटेंड करना है आगे तक. ठीक है, लेट्स से मैंने यहां तक इसको एक्सटेंड कर लिया, और जिस पॉइंट पर ये कट करता है डीई लाइन को, इसको मैंने नाम दे दिया पॉइंट एम. ओके, दिस इज द पॉइंट एम, और ये पॉइंट हो जाएगा आपका एक्स. ओके, तो बी एक्स आपकी एक नई लाइन हो गई, या फिर हम बोल सकते हैं कि आपकी पहले जो बी सी पैरेलल थी ई एफ के, अब बी एक्स भी पूरी की पूरी पैरेलल होगी ई एफ के, है ना. बस हमने क्या किया है, इस लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया है. तो चलिए इसको अब सॉल्व कर लेते हैं. जैसा कि आप जानते हैं ए बी इज पैरेलल टू डी ई, दोनों आपस में पैरेलल है, और हम कह सकते हैं कि जो आपकी बी एम लाइन है, ठीक है, बी एम ये कंप्लीट लाइन आपकी ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट करेगी दो पैरेलल लाइन के बीच में. तो इसका मतलब है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों आपस में इक्वल होंगे. क्यों होंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल. इसी बात को मैंने यहां पर लिख दिया है कि एंगल एबीसी, दिस एंगल एबीसी विल बी इक्वल टू एंगल डीएमएक्स, है ना. इस बात को मैंने यहां पर लिख दिया है. दिस इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट. इसके बाद मैंने आपको कहा था कि बीएक्स इज पैरेलल टू ईएफ. तो इसी बात को यहां पर कंसिडर करते हुए हम कह सकते हैं कि आपका ये वाला जो एंगल है ये किसके बराबर होगा, इस एंगल के, क्योंकि एम ई आपकी एक ट्रांसवर्सल लाइन की तरह एक्ट करेगी और ये दोनों आपकी पैरेलल लाइन है. तो ये वाला एंगल इसके बराबर ही होगा. ये कैसे होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल. जिस तरीके से ये दोनों एंगल इक्वल हुए हैं, उसी तरीके से ये दोनों भी आपस में इक्वल हो जाएंगे. तो हमने इसी बात को यहां पर लिख दिया एंगल डी एम एक्स, एंगल डी एम एक्स इज इक्वल टू एंगल डी ई एफ. सो दिस बिकम्स योर इक्वेशन नंबर टू. नाउ यू कैन से फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, देखिए डीएमएक्स, डीएमएक्स आपका एबीसी के बराबर भी है, और यहां पर जो सेकेंड इक्वेशन है उसमें डीईएफ के भी बराबर है. तो हम क्या लिख सकते हैं,
कि एंगल एबीसी डीईएफ के बराबर हो जाएगा, यानी कि ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा, एबीसी एंगल आपका डीईएफ के बराबर हो जाएगा, क्योंकि तीनों एंगल आपस में इक्वल हैं, ये वाला इसके बराबर है और ये वाला इसके बराबर है, तो ये और ये भी आपके इक्वल हो जाएंगे, है ना। तो इसी बात को मैंने यहां पर लिख दिया है। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। अब बात करते हैं आज की वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 27 की। इन फिगर 10.121, तो ये आपकी फिगर है 10.121। आर्म्स बी ए एंड बी सी ऑफ एंगल ए बी सी, ये आपकी दो आर्म है बी ए और बी सी ऑफ एंगल ए बी सी, सो दिस इज योर एंगल ए बी सी। रिस्पेक्टिवली पैरेलल टू आर्म्स ई डी एंड ई एफ ऑफ एंगल डी ई एफ, तो ये आपका एंगल है डी ई एफ और ये आपकी आर्म्स है ई एफ और ई डी, और यहां पर बोला गया है ये आपस में पैरेलल है, कौन कौन सी, ए बी पैरेलल है आपकी ई डी के और बी सी पैरेलल है ई एफ के। अब आपको प्रूव करना है एंगल ए बी सी प्लस एंगल डी ई एफ इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि आपको ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों का सम क्या दिखाना है कि 180 डिग्री के बराबर है। तो अब बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। तो जैसा मैंने कहा कि यहाँ पर आपको एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरीके से होगा कि आपको इस लाइन को यहाँ पर एक्सटेंड करना है, है ना। जैसे ही इस लाइन पर ये कट करता है, इसको आपको नाम देना है पॉइंट एम, ठीक है, इसको मैंने नाम दे दिया पॉइंट एम, तो यहाँ पर भी एक एंगल आपका बन जाता है। तो जिस तरीके से हमने जो पहले के क्वेश्चंस हैं उसमें हमने सॉल्व किया है, जो कंसेप्ट हमने लगाया है, सेम वही कंसेप्ट हमको यहाँ पर यूज करना है। तो जैसा कि आप जानते हैं ए बी पैरेलल है आपकी ई डी के और इसको मैंने यहाँ पर एक्सटेंड कर दिया है, तो अभी कंप्लीट लाइन हो गई, तो इसका मतलब है ए बी आपकी पैरेलल हो जाएगी ई एम के, और जैसे ही ये पैरेलल होती है तो जो आपकी ये जो लाइन है बी एम, ओके, ये आपकी ट्रांसवर्सल लाइन की तरह एक्ट करेगी, है ना। तो ये वाला एंगल किसके बराबर होगा, इस एंगल के, क्यों बराबर होगा, क्योंकि यहां पर आपका कोरस्पॉन्डिंग एंगल वाला रूल अप्लाई होता है, ठीक है। कब, जब आपने कहा कि ए बी इज पैरेलल टू योर ई एम, ओके, तो आप यहां पर कह सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू ई एम सी, तो ये आपकी हो जाएगी इक्वेशन नंबर 1। और आपको यहां पर पता है कि ई एफ, ये जो लाइन है ऊपर, ये पैरेलल है आपकी बी सी के, है ना, बी सी लाइन के पैरेलल है, तो आप देख सकते हैं कि ई एम, ई एम जो लाइन है ये आपकी बन जाएगी एक ट्रांसवर्सल लाइन, है ना, और इन दोनों एंगल का जो सम होगा, ये वाला एंगल, ठीक है, और ये वाला एंगल, इन दोनों का जो सम होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। क्यों होगा, को इंटीरियर एंगल्स फॉर्म होते हैं, है ना, दो पैरेलल लाइन के बीच में अगर दो एंगल है, दैट मीन्स इंटीरियर एंगल, तो इनको हम बोलेंगे, दो एंगल है तो को इंटीरियर एंगल्स हम इनको बोलेंगे, तो इन दोनों का सम कैसा होगा, 180 डिग्री के बराबर। तो इसी बात को मैंने यहां पर लिख दिया, एंगल ई एम सी, आप देख सकते हैं एंगल ई एम सी प्लस डी ई एफ, डी ई एफ आपका ये वाला एंगल है और दोनों का सम कैसा है, 180 डिग्री के बराबर, तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। नाउ वी कैन से फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, आप यहां पर देख सकते हैं जो ई एम सी है वो किसके बराबर है, एंगल ए बी सी के, देखिए जो ई एम सी है वो किसके बराबर है, एंगल ए बी सी के, और आपको प्रूव करना है एंगल ए बी सी प्लस DEF इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो जैसा कि आप ये देख सकते हैं इक्वेशन नंबर 2 है, यहां पर एंगल EMC की जगह बस आपको क्या लिखना है, एंगल ABC, ये ऑलरेडी हम प्रूव कर चुके हैं कि एंगल EMC आपका बराबर है एंगल ABC के, तो जैसे ही आपने इसको यहां पर रखा इक्वेशन 2 में, तो ये आपका हो जाएगा एंगल DEF प्लस एंगल ABC इज इक्वल टू 180 डिग्री, और यही चीज आपको प्रूव करनी थी। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। तो चलिए बच्चों, इस तरीके से आपकी आर डी शर्मा की लाइंस एंड एंगल्स की यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको इसमें से कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बता सकते हैं। तो बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़ जाइए द अकेडमी प्लस फैमिली से।